फ्रेंड्स, आपका मास्टर कुकिंग चैनल में स्वागत है। आज मैं रसगुल्ला बनाने वाली हूँ। इसके लिए देखिए, मैंने कुछ ब्रेड ले लिए हैं। अब इस ब्रेड को हम चाकू से इसका साइड वाला किनारा भाग काट लेंगे। अब इसका किनारे वाला भाग हम चाकू से कट करके हटा देंगे। सभी ब्रेड को ऐसे ही करेंगे फ्रेंड्स, चारों तरफ से कट कर देंगे, सिर्फ बीच का भाग रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ब्रेड को मैंने काट लिया है ऐसे इस भाग में। अब इसे धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लीजिए हाथों से। ये देखिए मैंने फ्रेंड्स छोटे छोटे टुकड़े में कर लिया है भाग इसे। अब इसमें लगभग 2 चम्मच हम मैदा ऐड कर रहे हैं। अब इसमें दूध का मलाई ऐड कर रहे हैं। अब इसको अच्छे तरीके से हाथों से मिला लीजिए। इसमें थोड़ा और दूध डाल ऐड कर रहे हैं फ्रेंड्स। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए दूध को। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बन के तैयार हो चुका है इसका आटा। अब 5 मिनट तक इसे ऐसे रेस्ट करने देंगे फ्रेंड्स। अब तब तक हम चाशनी तैयार करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा कटोरा गर्म हो चुका है। अब इसके ऊपर पानी डाल रहे हैं। ये देखिए मेरा पानी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम चीनी ऐड कर रहे हैं आधा कटोरा। 1 चम्मच लगभग इलायची ऐड कर रहे हैं। अब इसको फ्रेंड धीरे धीरे चलाते रहिए जब तक कि चिपचिप ना करने लगे। चाशनी हमारा तैयार हो चुका है। इसे हम उतार रहे हैं गैस ऑफ करके। हाथ में घी लगा के फ्रेंड्स इसका छोटा छोटा लोइया तैयार कर लीजिए। इसे फ्रेंड्स ऐसे छोटा छोटा लोइया तैयार कर लीजिएगा गोल गोल करके। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा रिफाइन गर्म हो चुका है। अब इसमें हम वो जो गोला तैयार किए थे वो डाल रहे हैं। अब ऐसे ही करके चारों तरफ से इसे सेकते रहिए छोलनी से। लो फ्लेम में इसे सीजने दीजिए थोड़ी देर। ये देखिए हमारा हो चुका है। अब इसे निकाल रहे हैं कि फ्रेंड्स हमने निकाल दिया है तेल में से इसे। ये देखिए हमारा चाशनी भी तैयार हो चुका है लगभग 4 से 4। अब 6 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रेस्ट करने छोड़ दीजिएगा और आधे आधे घंटे पर इसे चम्मच से ऐसे गोलते रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा गुलाब जामुन बनके तैयार हो चुका है। ये देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है। इसके ऊपर से मैंने काजू को ग्राइंड करके डाल दिया है ताकि इसका फ्लेवर और टेस्टी लगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।